नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं परवरिश विद प्रभा सिंह। अभी अभी आना शुरू हुआ है मानदेय। बहनों, आप भी अपना अकाउंट चेक कीजिए। अगर आपने अपने अकाउंट नंबर में अपने मोबाइल नंबर को अटैच कराया होगा तो आप लोगों के मोबाइल नंबर पर मैसेज आ गया होगा, और नहीं कराया होगा तो बैंक में जाकर पता करवाइए, क्योंकि मानदेय आ चुका है। बहनों, आपको बताते चलें कि यहाँ पर 1500 रुपए PFMS के अंतर्गत अभी अभी आना शुरू हुआ है। बहनों, मेरे अकाउंट में 1500 रुपए आए हैं, प्लस 1000 आए हैं, प्लस 500 रुपए आए हैं। तो बहनों, आप लोगों के खाते में कितने पैसे आए? ये पैसे वही हैं जो कि हम लोगों को अतिरिक्त मानदेय और PLI के मिलते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के पैसे नहीं हैं ये। केंद्र सरकार के पैसे 4500 रुपए एक साथ आते हैं भाई और बहनों। ये तो आप सबको पता ही है कि 4500 रुपए जब भी आते हैं केंद्र सरकार के, तो वो एक साथ ही आ जाते हैं, वो पटके इस तरह से नहीं आते हैं। 3000 रुपए आए हुए हैं हम सभी लोगों के खाते में। ये 3000 रुपए 1500 राज्य सरकार के हैं, और 1000 प्लस 500 हम लोगों की PLI है। बहनों, रही मानदेय की खबर बहनों, और एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें कि आज 31 अगस्त को पूरे देश में हमारी सारी आंगनबाड़ी बहनों को मनाना था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, जिसके तहत एक पेड़ लगाना है, जिसमें आम, अमरूद, बबूर, बरगद, नीम, पीपल, तुलसी आदि के पेड़ पौधे आप लोगों को अपने अपने सर्वे क्षेत्र में लगाना है, और लोगों को प्रोत्साहित भी करना है कि पेड़ को आप सभी लोग लगाएं, पानी देकर उन्हें सींच कर बड़ा करें। और ये पेड़ लगाने के बाद बहनों, एक बात बहुत जरूरी है जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना है, पोषण अभियान के जन आंदोलन डैशबोर्ड पर ये फोटो लगाते हुए अपनी फोटो भी अपलोड करनी है सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को। डैशबोर्ड पर कैसे अपलोड करना है, इसकी वीडियो हमने अपने परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर अपलोड करी है। अगर समझ में ना आए बहनों, तो वहां से आप लोग उसे देख सकते हैं। और कल से शुरुआत हो रहा है पोषण माह, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाना है, जिसमें आप सभी लोगों को रोज की एक्टिविटी को पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर आप लोगों को अपलोड करनी है और उसकी फीडिंग करनी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा भद्रनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार बहनों।